News, हम केवल खबर नहीं सच दिखाते हैं। हापुड़ में तीसरे दिन से ई रिक्शा चालकों के समर्थन में चल रहा कर्तव्य राष्ट्र पार्टी का नगरपालिका परिषद में धरना। वहीं किरण आरसी जाटव, एडवोकेट ललित सिंह एवं इंजीनियर गजेंद्र कुमार लोधी सभी धरना स्थल पर डटे रहे। प्रशासन का प्रतिनिधित्व मंडल आने को हुआ मजबूर। वहीं बातचीत से समस्याओं का समाधान करने की बात बोली गई तो दोपहर के समय लिया गया, नहीं तो आज से जेल भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। जो भी अपनी बात रखना चाहे वो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने की बात नहीं है, जब तक दोनों पक्षों के विचार एक दूसरे के सामने नहीं खुलेंगे। जो शहर की समस्या है, जो टीएसआई की अपनी समस्या है, ट्रैफिक चला रहे, वो भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे जाएंगे आप लोग, जब नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? या आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं, ये दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने बैठ के जा सकते हैं। आप अपनी बात रखिए, आपका कोई भी प्रतिनिधि मंडल दो आदमी होगा, चार आदमी होगा, छह आदमी होगा, जो भी रखे वो अपनी बात रखे। संबंधित अधिकारी चाहे ट्रैफिक हो, ईएसआई हो, या एआरटी हो, या जो भी हो, सारी चीजें दोनों पक्ष एक दूसरे की सुनेंगे, सभी तो किसी की बात जानेंगे, तो इसमें कोई गलत बात है? भाई आप अपनी बात रखे, मुझे कोई कार नहीं है। आपकी बात जाए, जो काम है, जो सही है, वो वैधानिक दृष्टिकोण से ठीक है, वो होनी चाहिए। गरीब आदमी आप आजीवी का करें, कोई गलत कार्य तो आप लोग कर नहीं रहे। आपकी मांग जो जायज है वो मांगी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी ठीक से होनी चाहिए। माना सारा दिन जाम में एक रोड पे खड़े रहेंगे तो फिर क्या आदमी का आपको मांगकर क्या दूसरा आदमी गुजरेगा? तो दोनों चीजें होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो सुबह प्रतिनिधि मंडल मिल ले, वहीं संबंधित अधिकारियों को आप कहें तो बुलवाया जा सकता है, दोनों पक्षों की बात हो जाएगी। जो भी उचित निर्णय सही रास्ता होगा आप लोगों के लिए भी और यातायात व्यवस्था के लिए भी, वो हल कर दिया जाएगा। उसके आधार पर जो भी कार्रवाई बनेगी वो उससे आपको भी अवगत करा दिया जाएगा और वह संबंधित अधिकारी भी अवगत होंगे, सारी कार्रवाई हो जाएगी। आप अपना प्रस्ताव रखिएगा, जो भी उसमें भी संबंधित अधिकारी है वो अपना प्रस्ताव रखेंगे, जो सही रास्ता होगा, सब लोगों के हित का होगा, वो मान लिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और जनप्रतिनिधि हैं बहन जी जो आरती यादव जी, तो वो भी अपने विचार रख सकते हैं, इस बारे में उनका अपना विचार हो सकता है, वो अपना मत जो भी देना चाहे। लेकिन मेरी यही है कि दोनों पक्ष जब तक आमने सामने होकर बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक किस चीज का कैसे हल निकलेगा? भाई आप अपना प्रस्ताव दें, लेकिन जो शहर की यातायात व्यवस्था देख रहे हैं उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। और एक बात बताएं भाई, जो ट्रैफिक वाले हैं वो किसके लिए शहर की व्यवस्था देख रहे हैं? आम नागरिक के लिए तो, कि खाली पुलिस ही निकलती है? सभी लोग निकलते हैं, आप ही के शहर के लोग तो निकलते हैं। तो वो दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनेंगे तभी तो किस चीज का उचित हल निकलेगा। मैं अपने घर बैठा रहूं अपनी बात रख के, आप अपने घर बैठे रहे अपनी बात रख के, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनेंगे तभी तो किस चीज का हल निकलेगा। तो उस चीज का भाई आपका प्रतिनिधि मंडल जो 10 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी जिनको आप अपना उचित मानते हो और जायज आदमी हो, जो आपकी जायज मांगों को रख सके उचित तरीके से, सब समस्या समझे, एक मिनट, ठीक है ना, उसको आप रख लीजिए। कोई किसी को आपत्ति नहीं है, सभी अधिकार इस चीज के लिए तैयार हैं। जो आपने ज्ञापन दिया है उन पर भी विचार हो जाएगा और जो और चीजें भी हैं उन पर भी विचार हो जाएगा। प्रशासन की जो स्थिति है वो भी आपके विचार में आ जाएगी, ठीक है, मेरी ये बात है। और आप जैसा उचित समझे, कानूनी प्रावधानों में किसी चीज की मनाही नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ जो विधि प्रावधान है उनका पालन करना भी अनिवार्य है। इतना ही मेरा निवेदन है आप लोगों से, धन्यवाद। आप लोग आए, आपने बात रखी, जो आपने सभी बात की वो आपने रखी, लेकिन जो इनकी समस्या है वो समस्या इन्होंने नहीं, स्वच्छ प्रशासन ने